एक लड़के के एक्सीडेंट के बाद वो अपने हॉस्पिटल की खिड़की से एक ब्यूटीफुल सी लड़की को देखता है। देखते हुए उसने नोटिस किया कि उस लड़की ने किसी का मर्डर कर दिया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक स्ट्रेंजर का उसे मैसेज आने लग जाता है। उसे उस मर्डर के बारे में सब कुछ पता था। अब आगे क्या होगा ये इस मूवी की मिस्ट्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2017 की एज ऑफ इनोसेंस ये मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर कैंग से इंट्रोड्यूस होते हैं। कैंग 19 ईयर्स का है। उसे अपनी बाइक पर अलग अलग प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता है। उसका मानना है हमें लाइफ में जो भी चीज़ करनी है, जो भी चीज़ चाहिए वो जल्दी से कर लेनी चाहिए, बाद में हमें पछताना ना पड़े। आज भी वो कहीं जा रहा था तभी अचानक से आगे की गाड़ी से एक टायर नीचे गिरा। ये कैंग की गाड़ी पर आ रहा था तो इस वजह से उसका बैलेंस चला गया, नीचे गिरकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताकर वरी करवाना नहीं चाहता था, तो अपने फ्रेंड्स को उसने कॉल किया। उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर उसका बहुत ख्याल रखते हैं। इन फ्रेंड्स में एक लड़की है जिसका नाम है जूली, पर हम इसे जूली बुलाएंगे क्योंकि ये सारे नाम कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। जूली के साथ उसका फ्रेंड भी था जिसका नाम था जाओ। उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम्हें इस तरीके से इतना ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। वो उन्हें भी वही बात बताता है कि लाइफ में मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं करना चाहता। उसके बेड के पास और एक पेशेंट था। इस ओल्ड मैन को डायबिटीज बीपी है। वो हमेशा हॉस्पिटल में रहता है। उन्हें मेडिसिन देने के लिए एक नर्स आई और ये ओल्ड मैन उस पर भी लाइन मार रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूली कैंग के पास आई हुई थी। एक्चुअल में उसे बहुत लाइक करती है, पर कैंग को इसके बारे में पता नहीं। जूली ने उसे कहा कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट तुम्हारी फ्रेंड है। कैंग ने उसे कहा तुम्हारी इयररिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है। आजकल कैंग इस हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था तो खिड़की से हमेशा बाहर देखता है। सामने एक बड़ा सा घर था, उसमें उसने देखा तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है जिया। कैंग उसे देखकर बहुत इंटरेस्टेड हो गया। उसे सही से देख नहीं पा रहा था तो अपने फ्रेंड को कॉल लगाकर उससे एक स्कोप मंगवा लेता है। स्कोप मिलने के बाद कैंग हमेशा उसे देखने लग गया। वो वंडर करता है कि उसका आवाज कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आया जो एक स्ट्रेंजर से था। वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन। स्ट्रेंजर ने कहा मैं तुम्हारे पास के कैफे से ही बोल रहा हूँ। कैंग को ये मैसेजेस बहुत ही कैजुअल लगे। एक दिन जब वो घर पर नजर रख रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक आदमी घर के बाहर से अंदर देखता है। वो उन पर स्पाई कर वहां से चला गया था। घर के पास जो कैफे है यही पर ही आदमी काम करता है। फिर से रात में कैंग जिया के घर पर देख रहा था तो वो नोटिस करता है उसके मदर और फादर में फाइट चल रही थी। इस फाइट में फादर ने मदर को नीचे गिरा दिया। इसके बाद मदर और जिया ये उसके रूम में गए, ये कुछ डिस्कस कर रहे थे। जिया फिर से अपने फादर के पास आए। उसके पास एक शार्प ऑब्जेक्ट था, वो अपने फादर को मारने वाली थी तभी उस ओल्ड मैन ने कैंग से उसका स्कोप ले लिया। कैंग क्या देख रहा है वो भी देखना चाहता था। कैंग जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ओल्ड मैन से स्कोप ले लेता है। इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। जब उसने फिर से स्कोप से देखा तो जिया के फादर नीचे गिरे थे, उनका बहुत सारा खून बह चुका था। जिया और उसकी मदर ये ब्लड को साफ कर रहे थे। ये देखकर कैंग को बहुत ही शॉक लगता है। अगले दिन उसने और भी नजर रखी, फिर से कॉफी शॉप वाला आदमी घर के बाहर आया था। कैंग के पास उसकी नर्स उसका चेकअप करने के लिए आई। वो कहती है तुम आगे के घर पर नजर रख रहे थे, ओल्ड मैन ने मुझे बताया। मैं समझ सकती हूँ आगे के घर में जो लड़की रहती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नर्स के जाने के बाद कैंग ने फिर से नजर रखी। जिस कारपेट पर ब्लड पड़ा था उस कारपेट को धोने के लिए भेजा जाता है। रात में कैंग को अपनी इंजुरीज की वजह से जरा पेन होने लग जाता है। उसने नर्स को बुलाया पर नर्स आसपास नहीं थी तो खुद चलकर उसे ढूंढने लग जाता है। उसने एक रूम में देखा कि नर्स किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। ये वही आदमी है जो नीचे का कॉफी शॉप चलाता है। कैंग को ठीक लगने के बाद रात में फिर से उसने जिया के घर पर देखा। जिया एक बैग घसीटते घसीटते लेकर जा रही थी। घर के पास के कंस्ट्रक्शन साइट में उसने इस बैग को गाड़ दिया। अगले दिन कैंग के फ्रेंड उसे मिलने के लिए आए हुए थे। उनसे कहता है मुझे जरा बाहर घूमने के लिए जाना है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आया और देख लेता है कि जिया ने जिस बैग को गाड़ा था वो सेफ है या नहीं। ऑर्डर देते वक्त कैफे ओनर से उसने बात की। उसने जिया के बारे में उसे पूछा। वो कहता है क्या तुम उस घर के लोगों को जानते हो, मैंने सुना कि उनके घर में बहुत सारे झगड़े चलते हैं। कैफे ओनर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कैंग जब फिर से हॉस्पिटल में आया तो नर्स उसे कहती है तुम्हारा रूम हम चेंज कर रहे हैं। कैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मुझे इसी रूम में रहना है, अगर तुमने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया तो तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में मैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को बता दूंगा। नर्स मान नहीं रही थी। कैंग कहता है कि अगर मैं उस रूम में नहीं रह सकता तो मुझे हॉस्पिटल में रहना ही नहीं है।
वो फिर वहां से डिस्चार्ज ले लेता है और घर पर ही आराम करता है। घर पर भी जूली उसका ख्याल रख रही थी। घर पर उसे एक मेल मिलता है जिसमें लिखा है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम डेंजर में हो। कैन जिया को बहुत लाइक करता है, मर्डर के बावजूद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत गए, कैन का प्लास्टर निकल चुका है। वो फिर डायरेक्टली जिया के घर के बाहर ही आता है। जिया आज अपने वर्क के लिए जरा लेट हो चुकी थी तो उसे उसके घर का सिक्योरिटी कार्ड नीचे गिर गया। ये कैंग ने देखा और ये लेकर वो घर के अंदर घुस गया। घर में सारी चीजें देखते हुए वो जिया के रूम में आया। उसके रूम में मैप लगा था, जिस जगह पर वो जाना चाहती है इसमें सारी जगह पर पॉइंट करके रखा है। कैंग इमेजिन करता है, कैंग चाहता था कि जिया जिस भी प्लेस पर जाए वहां से उसे पोस्ट कार्ड भेजे। देखते देखते ही जिया फिर से घर में वापस आ गए। वो और उसकी मदर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। जिया बता रही थी कि मुझे इस तरीके की लाइफ नहीं जीनी, पर उसकी मदर उसे फोर्स करती है। अगले दिन कैंग फिर से जिया का पीछा करता है। वो कैफे में गई और कैफे ओनर के पास रो रही थी। इसके बाद वो जहां भी जाती है उसका पीछा करता है। पीछा करते करते कैंग को फिर से स्ट्रेंजर से मैसेज आया। इसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। कैंग की जिया पर नजर रखते हुए फोटो उसने निकाली हुई थी। कैंग वंडर करता है कि हो कौन सकता है। वो सब पर शक करने लग गया था। इसके बाद वो जिया का पीछा करते हुए जहां पर वो काम करती है वहां पर पहुंच गया। उसने नोटिस किया इस ऑफिस में वैकेंसीज है। वो हमेशा जिया के पास ही रहना चाहता है, उसे और भी जान लेना चाहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर अप्लाई कर देता है। जॉब मिलने के बाद स्ट्रीट पर जाकर अलग अलग लोगों के सर्वे लेने का उसका काम था। ये सबमिट करने के लिए वो जिया के पास आया। जिया कहती कि तुमने बहुत ही कम सर्वेज लाए, तो अब क्या था। कैंग अगले दिन बहुत मेहनत करता है, उसने बहुत सारे सर्वेज लाए। ये काम करते करते जिया के घर के कारपेट की वॉशिंग जिस जगह पर हुई थी वो जगह उसने देखी। यहाँ पर वो इंक्वायरी करने वाला था तभी उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है। कैंग कहता है कि जूली को भी बुला लो। कैफे में कैंग ने देखा कि उसके हॉस्पिटल की नर्स, कैफे ओनर और उसके फ्रेंड्स भी थे। वो इन्हीं सब पर शक कर रहा था। उसने फिर स्ट्रेंजर को मैसेज किया कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। स्ट्रेंजर का रिप्लाई आया कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। ये रिप्लाई आने के बाद कैंग सबके फोन कहाँ है ये देख रहा था। बाकी लोग काम कर रहे थे और उसके फ्रेंड्स के फोन ही टेबल पर थे। इसका मतलब है स्ट्रेंजर इनमें से कोई भी हो नहीं सकता। अगले दिन कैंग अपने काम पर स्टेयर्स के पास बैठा हुआ था। कंपनी के कुछ ऑफिसर डिस्कस कर रहे थे कि जिया के फादर आजकल कंपनी में आ नहीं रहे, कंपनी के नाम पर उन पर बहुत बड़ा लोन है, अब इसका क्या होगा। ये सब सुनने के बाद कैंग जिया के पास आया। उसे कहता है, आजकल तुम्हारे फादर काम पर क्यों नहीं आ रहे। जिया पूछती कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है, कुछ लोग तुम्हारे फादर के बारे में बात कर रहे थे। जिया कहती कि मेरे बारे में भी बोल रहे होंगे, सबको लगता है कि मेरे फादर की वजह से ही मुझे जॉब मिला। जिया उसे बताती कि मेरे फादर सिर्फ जरा बीमार है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जिया लंच कर रही थी तो कैंग उसके पास आ गया। उसे पूछता है, क्या कल रात तुम फ्री हो, उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहता है। तभी जिया की मदर वहां आ गई थी। बाहर जाकर जिया उससे बात करती है और फिर वो वापस आई। वो कैंग के साथ डेट पर जाने के लिए मान गई थी। जिया के जाने के बाद कैंग को मैसेज आया, मर्डरर के साथ मजे कर रहे हो। ये दोनों एक साथ बैठे थे, इसकी फोटो भी स्ट्रेंजर ने उसे भेजी हुई थी। कैंग जल्दी से काउंटर पर पूछता है कि यहाँ पर कौन बैठा था। उसे पता चला कि एक लड़की थी जो ग्लासेस पहनती है। उसकी फ्रेंड जूली भी ग्लासेस लगाती है तो उसे लग रहा था कि शायद वही होगी। वो उसे वीडियो कॉल लगाता है पर उसने देखा कि जूली अपने घर पर थी। अगले दिन फिर जूली और कैंग ये दोनों डेट पर आए, एक दूसरे से बातें करते हैं। जूली ने कहा कि मैं इस वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस घूमना चाहती हूँ। कैंग जिस जिस प्लेसेस पर जाकर आया था इन सारे प्लेसेस के बारे में उसे बताता है। कहता है, लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, हमें अभी के अभी से जी लेना चाहिए। हम परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ेगा। ये बात जूली को पसंद आती है, इनकी डेट बहुत अच्छी गई थी। वो अब घर जा रही थी तो कैंग ने कहा, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उसने उसकी स्ट्रीट का भी नाम लिया था। इस पर जूली बहुत ही सस्पिशियस होगी। वो कहती है, तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बताया, मैं कहाँ रहती हूँ मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था। कैंग की चोरी पकड़ी गई, उसे ऑनेस्टली सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हारे घर के सामने के हॉस्पिटल में था। मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया। मुझे जब पता चला कि तुम कहाँ पर काम करते हो तो तुम्हारे पास रह सकूं, इसलिए मैंने वहीं पर जॉब ले लिया। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। ये सब सुनकर जूली ने उसे गले लगा लिया। इन दोनों को हग करते हुए जिया के मदर के बॉडी गार्ड्स ने इन्हें देख लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। कैंग को वार्निंग देते हैं कि जिया से जरा दूर रहना। वो कैंग को वार्निंग देते हैं कि जिया से दूर रहना।
अगले दिन कैंग जब काम पर गया तो जिया उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसका घर भी बंद पड़ा था। इसके बाद वो डायरेक्टली कैफे ओनर से आकर बात करता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिया फ्रेंड हो, वो कुछ ट्रबल में, तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। कैफे ओनर ने कहा कि जिया को पता है कि वो मुझे कहाँ ढूंढ सकती है, अगर उसे मेरी ज़रूरत होती तो मुझे ढूंढ लेती। एक कैफे ओनर कैंग को वार्न करता है कि उसे ज़रा दूर रहो, तुम उसके लिए सही नहीं। कैंग जिया से फिर से मिलना चाहता था पर मिलने का कोई भी वे नहीं है, तो फिर वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। ये कंस्ट्रक्शन साइट जिया अपने बेडरूम से देख सकती है, तो यहाँ पर उसने एक साइन बना लिया। पास जो कैफे है, इस कैफे का ही साइन था। फिर वो इस कैफे में जाकर रात भर वेट करता है। बाहर बारिश होने लग गई थी, यही पर वो खड़ा होकर वेट कर रहा था। सुबह होने के बाद फाइनली जिया उसके पास आ गई। वो कहती कि तुम पागल हो, रात भर वो यही बैठा था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिया कहती कि अब उस घर में मैं नहीं रह सकती। जिस भी जगह पर ये जाना चाहते थे डायरेक्टली उस जगह पर निकल जाते हैं। कैंग जिया को एक बीच दिखाने के लिए लेकर आया। वो कहता है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं इसी बीच पर आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता। वो कहता है तुमसे मिलने के लिए फिर से मेरा एक्सीडेंट हो, फिर भी वो वर्थ इट होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। रात में होटल में आकर इंटीमेट हो गए। इसी तरीके से इनकी रिलेशनशिप डेवलप होती गई। अब एक मंथ हो चुका है, ये पूरा मंथ होटल में ही थे। यहाँ से जाने के लिए कैंग जरा अपसेट था, तो जिया कहती है क्यों ना हम और एक मंथ रुक जाए। कैंग इसके लिए एक्साइटेड हो जाता है। होटल का सारा बिल जिया ने पे किया। ये फिर से बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन घूमते घूमते कैंग को एक बाइक बहुत पसंद आई। जिया और कैंग अपने रूम में थे। कैंग उसकी ड्राइंग बना रहा था। जिया पूछती है तुम मेरी ड्राइंग क्यों बनाते हो। कैंग ने कहा मुझे हर एक ब्यूटीफुल चीज की ड्राइंग करना अच्छा लगता है। जिया फिर उसे नीचे लेकर गई। उसने कैंग के लिए वो बाइक बाय कर ली थी। वो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया। ये दोनों फिर राइड के लिए जाते हैं। कैंग फिर वंडर करता है कि जिया के पास इतने सारे पैसे आते कैसे हैं। वो तो कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह भी यूज नहीं कर रही। जिया इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। अब कैंग को फिर से स्ट्रेंजर का मैसेज आया। इसमें लिखा था कि जल्दी से फिर से टाउन में वापस आ जाओ, वरना जिया ने जो भी किया है इसके बारे में सबको बता दूंगा। कैंग इस स्ट्रेंजर से मिलने के लिए सिटी में पहुंचा, पर जिया के मदर के बॉडीगार्ड्स उसे देख लेते हैं। वो वहां से भागा पर बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया था। उसे बहुत मारते हैं। उन्होंने उसे वार्निंग दी कि जिया को फिर से वापस लेकर आओ। वो बेचारा इंजोर्ड था, तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। ये वीडियो उस कंस्ट्रक्शन साइट का है और इस स्ट्रेंजर उस कंस्ट्रक्शन साइट को खोद रहा था ताकि जिया ने जो बैग गाड़ी थी वो बाहर आ जाए। कैंग भागते भागते जल्दी से वहां पर पहुंच गया, पर इस स्ट्रेंजर वहां से भाग जाता है। कैंग इस गड्ढे को भरने लग गया था पर कंस्ट्रक्शन वर्कर ने नोटिस कर लिया। यहाँ पर पुलिस वगैरह बुलाए जाते हैं। ये गड्ढा खोदने के बाद उसमें से एक डेड बेबी निकला। कैंग को इस बात से बहुत बड़ा शॉक लगता है। इस सब की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को पता चला कि वो बेबी ऑलरेडी डेड था। आगे के हॉस्पिटल से बेबी का स्पेसिमन चोरी हुआ था और यहाँ पर गार्ड दिया गया है जहाँ ये सारी चीजें फिगर आउट नहीं कर पाता। वो फिर डायरेक्टली हॉस्पिटल में पहुंच गया। नर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। कहता है तुम ये सब मेरे साथ कर क्यों रही हो, क्या वो बेबी तुमने ही गाड़ा था। नर्स कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। बेबी का स्पेसिमन हॉस्पिटल से गायब हो चुका था। जिया के फादर इस हॉस्पिटल के ओनर थे। वो कहती है कि जिया के फादर ने इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए मना किया था। कैंग ने नर्स को उसके साथ जो भी हो रहा है ये सारी चीजें बताए। नर्स कहती कि अगर तुम्हें लगता है कि जिस स्ट्रेंजर ने तुम्हें मैसेज किया है वो और इस बेबी को चुराने वाला एक ही पर्सन है तो मुझे बताए कि वो कौन है। सिक्योरिटी फुटेज से हमें पता चल गया था कि बेबी को किसने चुराया था। डायरेक्टर ने मुझे इसे रिपोर्ट करने से मना किया क्योंकि उसकी डॉटर ही थी। ये सुनने के बाद कैंग डायरेक्टली जिया के पास पहुंचता है, पर जिया के पास जूली आई हुई थी। उसके हाथ में एसिड है। जूली पूछती है कि अपने फादर को मारने के बाद तुमने बॉडी का क्या किया। जिया ने कहा कि उस बैग में बच्चों के खिलौने थे। जूली इस बात को मानती नहीं। तभी वहां पर कैंग पहुंच चुका था। जिस स्ट्रेंजर का कैंग को मैसेज आ रहा था ये जूली ही थी। उसे कहती है तुम अपनी आंखों से जो भी देख रहे थे उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मैं चाहती थी कि जिया के फादर की बॉडी मिलने के बाद तुम्हें पता चल जाए कि जिया एक किलर है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से सब मैंने किया। कैंग फिगर आउट नहीं कर पाता कि उसने जो भी देखा था ये जूली को कैसे पता था। जूली कहती है तुम्हें मैंने जो स्कोप दिया उसे मैंने एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया था। उसके फोन में भी उसने एक ट्रैकर लगा दिया है। जूली भी हमेशा उसका पीछा करती थी। हमने मूवी में देखा था कि कैंग को जब शक आया था तो उसने जूली से डायरेक्टली वीडियो कॉल पर बात की थी। इसके एक्सप्लेनेशन में जूली कहती है कि मेरा फ्रेंड ये सब करने में मुझे हेल्प कर रहा था।
इनके पास और एक मोबाइल था, इस वजह से कैंग कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाया। जुली का फ्रेंड भी यहाँ पर पहुंच जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, वो भी उससे बहुत प्यार करता था। कैंग को जुली की फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था, इसके लिए वो सॉरी कहता है। जिया भी उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है तुम बहुत ही लकी हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम्हें मेरी तरह किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मैं सिर्फ कैंग का फायदा उठा रही थी, मैं मेरी लाइफ से बोर हो चुकी थी तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था। जुली और भी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, उसके हाथ में एसिड था जो अपने आप पर वो डालने वाली थी। जिया जल्दी से उसे इसके हाथ से निकाल लेती है, उसका खुद का हार्ट भी थोड़ा सा बर्न हो गया था। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और जुली उनके साथ चली जाती है। सबके जाने के बाद कैंग जिया से बात करता है, कहता है तुमने अपने फादर को मार डाला पर फिर भी मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जिया कहती कि अभी अभी मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा ये सब कुछ चीज़ें सच थी, मैं सिर्फ तुम्हारे यूज कर रही थी। इसके बाद वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में चली जाती है। कैंग उसे इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था, उसने भी उसका पीछा किया। वो गाड़ी रोक नहीं रही थी तो मोटरसाइकिल को आगे किया और अपना एक्सीडेंट करवा दिया। जिया उसके पास आई, कहती है ये सब तुम कर क्यों रहे हो। गाड़ी से जिया के साथ उसके फादर भी निकलते हैं। फादर ने कहा तो इतने दिन तुम इसके साथ थी। जिया कहती कि क्या मुझे हक नहीं कि मैं किसी से प्यार कर सकूं। फादर जिया से कहते तुम जो चाहो वो कर सकते हो पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जिया कैंग के पास ही रुकी। उस रात जो हुआ था इसके बारे में जिया उसे बताती है। वो कहती है एक्चुअल में वो आदमी मेरा फादर नहीं है, मैं अगर उसके घर में रही तो लोगों को शक होगा, इसीलिए हमने वो स्टोरी बना दी है। जिया और इस बिजनेसमैन की अलग रिलेशन है, ये बिजनेसमैन उसे बहुत सारे पैसे देता है, इसके बदले में जिया उसके साथ इंटीमेट होती है, उसके घर में रहती है। कैंग को बहुत बड़ा शौक लगा। जिया कहती कि मैं प्रेग्नेंट थी, जिस रात तुमने देखा था मेरी और बिजनेसमैन के बीच में फाइट चल रही है, उस रात मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मेरी मदर को लग रहा था कि बिजनेसमैन अब मुझे छोड़ देगा, इसी वजह से वो गुस्सा हो गई थी, पर उस बिजनेसमैन ने कभी भी जिया का साथ नहीं छोड़ा। उस रात कैंग जब स्कोप से नजर रख रहा था तभी ओल्ड मैन ने उसे स्कोप ले लिया था। उतने टाइम में बिजनेसमैन ने अपनी बीमारी की वजह से खून की उल्टियाँ की थी, उसे कैंसर था। इसके बाद उसका इलाज करने के लिए वो बिजनेसमैन वहां से चला गया था। जिया बहुत ही डिस्टर्ब थी, वो पहले ही अपने बेबी के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आई थी, तो सारे खिलौने उसने एक बैग में डाले। उसने अपने बेबी के सारे टॉयज एज ए फेयरवेल पास के कंस्ट्रक्शन साइट में गाड़ दिए। यही सारी चीजें कैंग ने देखी थी। वो कहती मैं मेरी लाइफ में सिर्फ चेंज चाहती थी, और फिर वो कैंग से मिली। कैंग पूछता है क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था। जिया इस पर कुछ भी नहीं बोलती। जिया ने डिसाइड किया है कि वो बिजनेसमैन के साथ ही रहना चाहती है। वो बेचारा हार्ट ब्रोकन होकर वहां से चला गया। फिर से वो अपने कॉलेज को कंटिन्यू करता है। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 10 साल बीत चुके हैं। वो फिर से जिया के घर के पास के कैफे में ही आया। जिया अब वहां नहीं रहती। वो कैफे ओनर को देखता है तो उसने अब नर्स के साथ शादी कर ली थी। ये दोनों बहुत ही खुश थे। कैंग ने उसे बात की, जिया के बारे में पूछा। कैफे ओनर कहता है कि बिजनेसमैन के लास्ट डे में जिया ने उसका बहुत ख्याल रखा। एक्चुअल में बिजनेसमैन को उसकी कंपनी में उसके पार्टनर ने धोखा दिया था। ये केस भी चल रहा था, इसमें भी जिया ने उसे सपोर्ट किया। ये केस वो बिजनेसमैन जीत गया। बाद में उसकी डेथ होगी और जिया घर छोड़कर चली गई। कैंग पूछता है कि अब वो कहाँ है। कैफे ओनर ने उसे कहा कि वो अलग अलग प्लेसेस घूमती रहती है, हर जगह से तुम्हारे लिए पोस्ट कार्ड भेजती है। उसे पता था कि कभी ना कभी तुम इस कैफे में वापस आओगे। कैंग रियलाइज करता है कि 10 साल पहले उसकी एज कम थी, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी। जिया चाहती थी कि अपनी लाइफ में वो आगे जाए। वो अब सक्सेसफुल है और जिया की लोकेशन भी उसके पास है। वो श्योर था कि जब वो वहां जाएगा तो जिया उसका वेट कर रही होगी। ये दोनों फाइनली एक दूसरे से मिल गए। जिया हमेशा से उससे प्यार करती थी पर बिजनेसमैन बीमार था, उसे इस तरीके से छोड़कर वो नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उसका ख्याल रखा। कैंग को भी अपनी लाइफ डेवलप करने का एक अच्छा सा चांस उसने दिया। इसके बाद ये दोनों फिर से मिले। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।